नियमों को दरकिनार कर ग्राहकों को अलग अलग तरीके से ठगने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों को केंद्रीय बैंक RBI ने चेतावनी दी है और कहा है कि ग्राहकों से गलत तरीकों से वसूले गए ब्याज और दूसरे चार्जेस को वापस करें। आप में से बहुत से लोगों ने किसी ना किसी बैंक से होम लोन, पर्सनल लोन या फिर ऑटो लोन लिया होगा। कई बार बैंक ज्यादा ब्याज या फिर ऐसे चार्ज वसूलते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। कुछ सौ रुपए की बात सोचकर आपने शिकायत करने के बजाय बैंकों की मनमानी को इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन बैंकों की इस हेराफेरी को RBI ने ना सिर्फ पकड़ा है बल्कि RBI ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सर्कुलर भी जारी किया है। RBI के इस कदम से आपको सीधा फायदा होगा और बैंकों की मनमानी और गलत तरीके से ब्याज वसूली पर लगाम लगेगी। पहले आपको बताते हैं कि बैंकों की क्या क्या गड़बड़ी RBI ने पकड़ी है। आपको पता नहीं होगा कि बैंक लोन सैंक्शन होने की तारीख से ब्याज वसूलने लगते हैं, जबकि आपसे ब्याज लोन डिसबर्समेंट के दिन से लेना चाहिए। आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा और इसका फायदा बैंक आज तक उठा रहे थे। इसी तरह अगर आप समय से पहले लोन का बकाया पैसा जमा करते थे तब भी बैंक आपसे पूरे महीने का ब्याज वसूलते थे, जबकि जिस दिन आपने पैसा जमा कराया ब्याज उसी दिन तक का लिया जाना चाहिए था। आप में से कुछ बैंक ग्राहक ऐसे होंगे जिनसे लोन की एक से ज्यादा एडवांस किश्तें ले ली गई होंगी, जबकि आपसे ब्याज लोन की पूरी राशि का वसूला जा रहा होगा, उस एडवांस किश्त का भी जो आप शुरुआत में ही जमा कर चुके थे। आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि बैंकों ने आपसे ब्याज चेक तैयार करने की तारीख से ब्याज वसूला, जबकि आपको बैंक ने लोन का चेक कई दिनों बाद दिया होगा। आप में से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होगी जिन्हें बैंकों की इस हेराफेरी या कहें ठगी का पता ही नहीं चला होगा, लेकिन RBI ने बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ इस व्यवहार को अनुचित और नियमों के खिलाफ माना है, जिसका सीधा प्रभाव आप जैसे उन करोड़ों बैंक ग्राहकों पर पड़ेगा जिन्होंने बैंकों से किसी ना किसी तरह का लोन लिया हुआ है। RBI ने बैंकों को कहा है कि ग्राहकों से किसी भी तरह से वसूले गए एक्स्ट्रा ब्याज का पैसा वापस करें, यानी आपसे भी बैंक ने गलत तरीके से ब्याज वसूला है तो उसे वापस करना होगा। RBI ने बैंकों और वित्तीय संस्थान को ब्याज वसूलने के अनुचित तौर तरीकों का रिव्यू करने को कहा है। इसी के साथ RBI ने बैंकों को ब्याज वसूलने में पारदर्शिता के लिए जरूरी कदम उठाने को भी कहा है। इसके अलावा कहा है कि बैंक चेक के बदले लोन की राशि ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफर करे। RBI के जारी किए गए सभी नियम तत्काल प्रभाव यानी 29 अप्रैल से लागू हो गए हैं। RBI को इस तरह के कदम उठाने की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि पिछले कुछ समय में ऐसे मामले सामने आए जब कुछ फिनटेक कंपनियों और लोन ऐप्स की तरफ से ब्याज वसूलने के लिए ग्राहकों को धमकी देने, एजेंट भेजकर डराने धमकाने के मामले सामने आए। लोन और भारी भरकम ब्याज के दबाव में कुछ लोगों ने खुदकुशी जैसा कदम भी उठा लिया, जो कि गंभीर चिंता का विषय। आज की तारीख में बैंक्स का बिल्कुल भी ये नहीं होता कि वो ये एडिशनल इंटरेस्ट बर्डन कंज्यूमर से रिकवर करें, बट क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस थाउजेंड्स इनफैक्ट मिलियंस में होती हैं, तो बहुत सारी ऐसी डे टू डे कंप्यूटेशनल इंटरेस्ट के एस्पेक्ट्स मिस हो जाते हैं। मगर अगर आप देखें कि अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट पर भी जो इंटरेस्ट बैंक देता है उसमें भी वो डे टू डे का इंटरेस्ट हमको देता है, पूरे महीने का नहीं देता। कुछ उनके ऐसे कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं जिस वजह से वो साइंटिफिकली उसको कैलकुलेट करता है। RBI के निर्देश आपको आर्थिक नुकसान से बचा सकते हैं, इसीलिए हमने आपको ये खबर दिखाई ताकि आप भविष्य में बैंक लोन लें तो बैंक आपसे गलत तरीके से ब्याज या दूसरे चार्जेस ना वसूल कर सके। फिर भी अगर बैंक आपको नियम कायदों में उलझाने की कोशिश करे तो आप उन्हें RBI के जारी किए गए इस निर्देश को दिखा दें जिसमें बैंकों की गलत ब्याज वसूली के खिलाफ निर्देश हैं। आपकी जागरूकता ही आपको आर्थिक नुकसान से बचाएगी और बैंकों को मनमानी करने से रोकेगी।